जिला में 21 से 26 जनवरी तक चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विशेष अभियान के तहत आज बाल विकास परियोजना अधिकारी नूरपुर के सौजन्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नूरपुर के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बेटियां समाज का अभिन्न अंग हैं, जिनकी परिवार तथा समाज को आगे ले जाने में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा भी बेटियों के उत्थान के लिए उनकी शिक्षा और व्यक्तित्व विकास के अनेक प्रोत्साहन योजनाएं चलाई गई हैं। एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की नई मुहिम एक बूटा बेटी के नाम के तहत रुद्राक्ष का पौधा लगाया। उन्होंने बच्चियों के अभिभावकों से बच्चियों के जन्मदिन पर अपने घर आंगन में फलदार पौधे लगाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह बच्चियों की सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज में संवेदनशीलता बढ़ाने का प्रयास है। यह मुहिम लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ प्राकृतिक असंतुलन ठीक करने में सहायक होगी। इस अवसर पर अभिभावकों द्वारा भी फलदार पौधे रोपित किए गए। कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई को रोकने के लिए मुख्य अतिथि द्वारा इस मौके पर शपथ दिलाई गई। उन्होंने अभिभावकों से बच्चियों को भी बेटों की तरह परवरिश करने का आह्वान किया। इस अवसर पर नूरपुर बाजार में जागरूकता रैली निकालकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। 24 जनवरी और 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय गर्ल चाइल्ड दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, और आज नूरपुर में भी हम ये दिवस हम मना रहे हैं। इस दिवस पे आज हमने जो है एक बूटा बेटी के नाम लगाकर हमने कुछ एक पौधे लगाए हैं, जिसमें कुछ फलदार वृक्ष लगाए हैं। हमने चीकू का और अमरूद के पौधे लगाए हैं। इसके अतिरिक्त हमने क्या कहते हैं एक ऑर्नामेंटल प्लांट जो है, जिसे मोरपंख कहते हैं, वो लगवाया है, और रुद्राक्ष के कुछ पौधे हमने इसमें लगाए हैं। आज हमने 12 बेटियों का जो है बर्थडे मनाया है, और इसमें हमारे नूरपुर के आसपास के जो आंगनबाड़ी केंद्र है, इसमें समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्पर्स ने इसमें भाग लिया है। CDPO मैडम ने इसमें इफेक्टिवली पार्टिसिपेट किया है और इसको बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया है। इसके पीछे मंशा यही है कि जो आज बेटा और बेटी के बीच में जो इनइक्वालिटीज़ हैं, उसे दूर करने के लिए हमने एक लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ और बेटी और बेटे में जो न्यूट्रिशनल डिफरेंसेस होते हैं, उस भेदभाव को दूर करने के लिए उनको मेडिकल हेल्थ केयर के लिए, इसके अलावा जो महिलाओं के कामकाजी अधिकार होते हैं उसके लिए हमने जागरूकता एक रैली भी की है। और मेरा सबसे गुजारिश ये है कि हम बेटी और बेटी के बीच में कोई भेदभाव ना करें। हम जो डिटर्मिनेशन जो है, चाइल्ड डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल डिटर्मिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तथा इसके अतिरिक्त जो है कन्या भ्रूण हत्या आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, इसके अगेंस्ट हम जो है स्ट्रिक्टली लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये भेदभाव ख़त्म किया जाए। और बेटियाँ हमारा मान सम्मान होती है, हमारा गौरव होती है, हमारे सर का ताज होती है, और उन्हें जो है उनके प्रॉपर अधिकार, चाहे वो लीगल हो, चाहे कानूनी अधिकार हो, चाहे बाकी अधिकार, उन्हें मिलने चाहिए।